मैंने बहुत सारी ऐसी डील्स करी हैं जहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ क्लाइंट के साथ में, और ना ही मुझे वहाँ से कोई प्रॉफिट हुआ और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनल अपने करियर में करी हैं, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में करी हैं। इन गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हो, इन गलतियों को अगर आपने सीख लिया, अगर आपने समझ लिया, तो आप एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये गलतियाँ हैं कि जब भी आप प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। किसी भी नए क्लाइंट के साथ अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में क्लियर नहीं करते हैं तो आप क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट्स के साथ खास करके, आप यार वो आपको परेशान करेंगे, वो आपसे फिर कहेंगे कि आपने ये कमिटमेंट्स किए थे आपने पूरे नहीं किए, और फिर आपका ना एक बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लग जाता है। तो ये जो गलतियाँ मैंने करी, मैंने बहुत लेट से सीखा और मैंने गलतियाँ करने के बाद सीखा। अगर मैं आपको अभी बता देता हूँ तो आप इनको अभी प्रैक्टिस में ला सकते हो, सीख सकते हो, और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, मुझसे भी जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले पे आते हैं नंबर वन पे, कि जो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं खास करके, उनको एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। अगर आपने गूगल एड्स लॉन्च किया है तो वो पहले दिन सोचेंगे वो लीड आने लगे, फेसबुक ऐड आपने लॉन्च किया तो लीड आने लगे, सेल्स आने लगे, ठीक है, और फर्स्ट मंथ ही सोचेंगे वो, उन्होंने अगर 20,000 रुपए लगाए तो वो प्रॉफिट में चले जाएं, ठीक है। तो पहले भाई उनको क्लियर कर दो, ठीक, कि ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और फर्स्ट मंथ ही आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट में आने में डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, टाइम लगता है। किसी भी तरह की मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर लो, किसी भी तरह की मार्केटिंग में टाइम लगता है। तो आप उनको पहले ही क्लियर कर दें कि जो आप डिजिटल मार्केटिंग देने वाले हैं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं हर क्लाइंट को ना 90-90 डेज के माइलस्टोन्स डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं उनसे कह देता हूँ कि किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जो हम आपसे स्टार्ट करने वाले हैं, इसका रिजल्ट आने में मिनिमम 90 डेज तो लगेगा, ठीक है। अभी ये SEO पे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है, बट गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम जो भी करते हैं, ठीक है, उसको हम बताते हैं कि जैसे मान के चलिए लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं पहले मंथ जितनी लीड्स आई सारी क्लोज हो जाएंगी। हो सकता है कुछ क्लोज हो, कुछ आपकी सेकेंड मंथ क्लोज हो, कुछ फर्स्ट दो महीने में जो लीड आई हो तीसरे महीने क्लोज हो। तो उसको मैं बता देता हूँ क्लियर है कि जो आपका रिजल्ट है उसके लिए मिनिमम आपको 90 डेज का वेट करना पड़ेगा, और हम बिजनेस इसीलिए करना चाहते हैं आपसे कि हम लॉन्ग टर्म करें, हम आपको इंस्टेंट पैसा कमा के, और इंस्टेंट हम खुद हम अपना लाइक वो मोटिव नहीं है मेरा कि हम पैसा कमा लें सीधा आपसे, हमारा लाइक मेन गोल है, मेन विजन है कि हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करें। तो किसी भी मार्केटिंग को करने के लिए मिनिमम जो उसके उसके जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं, जो बेस्ट आप एक्सपेक्टेशंस आप चाहते हो, उसको आने में लगभग 3 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो 3 महीने का समय मैं लेता हूँ, आप अपने हिसाब से, आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आप टाइम चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। बट उसको आप बता दो कि किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हो तो आप एक मिनिमम टाइम फ्रेम लगेगा, और वो टाइम फ्रेम आप पहले क्लियर कर दो, नहीं तो क्लाइंट यार बहुत परेशान करते हैं, खास करके इंडियन क्लाइंट्स, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे यार कि लीड नहीं आई, सेल्स नहीं आई, और इस महीने मैंने 20,000 रुपये लगाया था, मेरा 2-3,000 रुपये लॉस क्यों हुआ, मेरा प्रॉफिट 2-3,000 रुपये ही, 5,000 रुपये ही क्यों हुआ। तो इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग से क्लियर करके रखो। सेकेंड चीज, ठीक है, बहुत ही क्लियर मेंशन कर दो पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सारे पैकेजेस जो हम बना के देते हैं क्लाइंट को, एक हिसाब से कोटेशन देते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो तो साफ लिख देते हैं कि हाँ भाई आपके पैकेज में ये SEO इंक्लूडेड है, ये गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बट क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है ये हम उसको ज़्यादातर लोग नहीं मेंशन करते हैं, या मेंशन करते भी हैं तो बहुत छोटी छोटे लाइन्स में मेंशन कर देंगे एक्सक्लूजन्स में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि जो भी आप नहीं दे रहे हो क्लाइंट को एकदम क्लियर और प्रॉपर मेंशन करके दो, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में बाद में जब क्लाइंट काम स्टार्ट कर देता है ना, मैं अभी आगे कुछ ऑब्जेक्शंस आपको बताने वाला हूँ, तो वो कहेगा कि आपने तो बताया नहीं था कि आपने नहीं था, अब आप कह रहे हो इसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, आप कह रहे हो कि वेबसाइट और कॉन्टेंट नहीं इंक्लूडेड है, ग्राफिक्स आप खुद बना के दोगे, ठीक है, कई बार ग्राफिक क्या वो प्रिंट के लिए बनवाने लगता है आपसे। तो ये सारी चीज़ें करके मैं एक एक करके आता हूँ, बट स्टार्टिंग से क्लियर कर दो कि क्या क्या नहीं इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो किस तरह के ग्राफिक्स बना के दोगे, नहीं तो वो कुछ भी बनवाता रहेगा आपसे, ठीक है, और उस ग्राफिक्स में भी कितने रिविजन्स है, नहीं तो क्या होता है ग्राफिक डिजाइनर बहुत परेशान होते हैं, एक ग्राफिक को क्लाइंट 10-10 बार चेंज कराता है यार। मैंने
ऐसी ऐसी जगह देखा जहाँ पे एक सिंगल सोशल मीडिया पोस्ट 10-10 दिन कंफर्म हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और 10 दिन बाद वो कुछ और ही बन के निकलता है। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि पैकेज में भाई आपके ये चीजें नहीं इंक्लूडेड है, मतलब कि उसमें कंटेंट नहीं है, उसमें ग्राफिक्स नहीं है, उसमें प्रिंट ग्राफिक्स नहीं है, उसमें वीडियोस नहीं है, उसमें जीआईएस नहीं है, सारी चीजें मेंशन कर दो। दूसरा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ज्यादातर जब हम क्लाइंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हम एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का बैकग्राउंड रखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग आप आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, या एक आप ग्राफिक डिजाइनर भी हो, तो क्लाइंट को ये क्लियर बता दो कि भाई ये जो आप पैसा पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप उससे 400-500 रुपए पर ग्राफिक चार्ज कर रहे हो, तो ये ग्राफिक किस चीज के लिए है? ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है, ये प्रिंट के लिए है, ये बैनर के लिए है? क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर जानता हूँ, वो क्या है, उसने एक कोटेशन बना के रखी है, अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनवाना है तो वो 500 रुपए का होगा, 400 रुपए का होगा, अगर आपको न्यूज़पेपर ऐड बनवाना है फुल पेज तो इतने का होगा, हाफ पेज बनवाना है इतने का, ब्रोशर बनवाना है तो इतने का, वो जो प्रिंटिंग के लिए पैम्पलेट शायद बोलते हैं उसको, जो पैम्पलेट्स होते हैं उसके चार्जेस अलग। नहीं तो क्या होगा, जब क्लाइंट से आप बोलोगे 400-500 रुपीज पर ग्राफिक, तो आपसे वो पेपर ऐड भी बनवा लेगा उसी में, ठीक है, और उसमें कंपेरेटिवली ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप उसको क्लियर बताओ कि ये जो आप ग्राफिक डिजाइन बना रहे हो ये किस चीज के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हैं या फिर प्रिंट के लिए भी हैं, और अगर प्रिंट के लिए जो होंगे वो किसके क्या चार्जेस होंगे। तो ये हम क्लाइंट को पहले क्लियर करके देते हैं। दूसरे आते हैं, जब भी वेबसाइट डिजाइन करते हो, बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं। अभी मैं ना रिसेंटली एक दो प्रोजेक्ट में फंसा हूँ जो किसी और के थ्रू मेरे पास आए थे, और उसमें क्या उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि कॉपीराइटिंग, मतलब बेसिक कंटेंट तो यार हम चलो ठीक है मानते हैं कि अगर क्लाइंट को बहुत यूनिक नहीं चाहिए तो बेसिक कंटेंट हम दे सकते हैं, बट क्लाइंट को प्रॉपर कॉपीराइटिंग चाहिए थी, प्रॉपर ग्राफिक्स चाहिए थे, और उनका था कि यार ये तो वेब डेवलपर का ही काम होता है। तो आप स्टार्टिंग से क्लियर करो, अगर आप फ्रीलांसिंग वेब डेवलपर हो तो आप क्लियर कर दो कि जो कंटेंट है ये किसके एंड से रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीज आती है, अगर क्लाइंट को स्पेसिफिक, बहुत कई होते हैं क्लाइंट उनको एक एक स्पेलिंग मिस्टेक्स भी प्रॉपर चाहिए, ऐसे क्लाइंट के साथ आप कह दो कि कंटेंट आप खुद दो या फिर इसके लिए आप कंटेंट के लिए चार्ज कर लो। क्लाइंट अगर कहता है कि हाँ ठीक है कंटेंट आप ठीक ठाक डाल दो, सिमिलर उतना वो देखेगा नहीं और उतना वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ठीक है तो आप उसी में इंक्लूड कर सकते हो, पर आप उसको बता सकते हो कि कंटेंट बेसिक ही रहेगा, या फिर अगर आप हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिख रहे हो तो आप कह दो बेसिक रहेगा, अगर आपको बहुत एडवांस चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव चाहिए, तो आपको कॉपी राइटर या कॉन्टेंट राइटर हायर करना होगा, और उसके चार्जेस क्या हैं या फिर वो खुद दे रहा है वो आप क्लियर कर दो। नहीं तो वेबसाइट अगर डिज़ाइन कर रहे हो कहीं भी वर्डप्रेस या किसी भी चीज़ पे, आप बहुत बुरा फंसोगे अगर इस सब बातों को पहले से नहीं क्लियर किया, क्योंकि ये सब हम लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और तभी मैं आपको ये चीज़ें सिखा पा रहा हूँ कि ये सारी गलतियाँ मत करना। बाकी दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पेमेंट जो आप लेते हो क्लाइंट से वो एडवांस रहेगी कि मंथ एंड में रहेगी, ठीक है। अब भी एक चीज़ और मैं इसके पहले क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा रूल है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो कि बिना एडवांस के काम मत स्टार्ट करो यार, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे कामों फंस चुका हूँ जहाँ पे क्लाइंट ना काम करा लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर वो कहते हैं कि अब हमें नहीं करना, वेबसाइट उन्होंने 4 पेज भी डिज़ाइन कर लिया, मुझको अच्छी नहीं लग रही है, मुझे मैंने किसी और को प्रोजेक्ट दे दिया है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है उससे, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखो, अपने टाइम को यूज़ करो, कहीं भी इधर वेस्ट मत करो आप, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के ऊपर जो आपको पे नहीं कर रहा है। तो आप क्लाइंट से मिनिमम 30%, 40%, 50%, हम तो 50% से नीचे नहीं, एडवांस जब तक नहीं मिलता तो हम काम नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी चीज़ें फेस कर चुके हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया आधा और फिर उसकी कुछ पेमेंट नहीं आई, वो टाइम वेस्ट हो गया, बहुत सारा मतलब रिसोर्सेज भी उससे चले गए, ठीक है। तो आप क्या करो, मिनिमम 40-50% उसे एडवांस ले लो, तभी काम स्टार्ट करो। दूसरी चीज़ उसे क्लियर कर दो, जो आपकी पेमेंट है वो कैसे लोगे, दो तरह से लो, मिनिमम पहले तो कुछ परसेंट एडवांस ले लो, दूसरा आप उसको क्लियर कर दो कि आप 50% आप एडवांस लोगे और 50% या मंथ एंड में लोगे या फिर 15 दिन बाद लोगे या 20 दिन बाद लोगे, बट स्टार्टिंग से क्लियर कर दो कि भाई पेमेंट आपके एडवांस है कि मंथ एंड में है, ठीक है। और 2-3 महीने बाद आप एडवांस पेमेंट कंप्लीट ले सकते हो, कि हम ऐसे करते हैं कि 3 महीने बाद क्लाइंट से एडवांस पेमेंट कंप्लीट लेते हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, बट 3 महीने बाद लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेमेंट के टर्म्स क्रिस्टल क्लियर रखो, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे, और हम लोग ये चीज़ों में फंस चुके हैं, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं ना जिनकी पेमेंट अभी 4-4 महीने की भी पेंडिंग है, तो इंडिया में बहुत होता है यार ऐसा।
ठीक है, और बाहर भी दो केस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर ऐसा नहीं होता, एक दो काम ऐसे हैं जिनकी 50% पेमेंट है या उनकी पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, तो ऐसा होता है कि सर्विस इंडस्ट्री में है और पेमेंट फंसने का यार चांसेस रहते रहते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे पे आते हैं, एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप सर्विस फीस देते हो, आपने क्लाइंट को दे दिया कि ठीक है 25,000 रुपये में हम आपके गूगल एड्स करेंगे, फेसबुक एड्स करेंगे और SSL, आप उसको कोटेशन बना के दे देते हो, फिर क्लाइंट को क्या लगता है कि 25,000 में आपके एड बजट भी इंक्लूडेड है, और अगर इंक्लूडेड है एड बजट तो कितना एड बजट इंक्लूडेड है वो भी क्लियर कर दो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान के चलिए मैं 10,000-15,000 रुपये एड अकाउंट के मेंटेन एड अकाउंट लाइक उसको चलाने के चार्जेस ले रहा हूँ, उसको एड अकाउंट मैनेज करने के चार्जेस ले रहा हूँ, तो उसमें एड बजट इंक्लूडेड है या नहीं है क्लियर बता दो कि हाँ भाई इतना मैं पैसा ले रहा हूँ इसमें एड बजट नहीं इंक्लूडेड है, या फिर अगर आप 25,000 ले रहे हो तो उसमें आप क्लियर कर दो कि हाँ 5,000 रुपये ही एड बजट पे है और बाकी 20,000 मेरे चार्जेस हैं, तो जितना भी आप क्लियर करो, अगर नहीं है तो वो भी क्लियर कर दो ताकि क्लाइंट को स्टार्टिंग से क्लियर रहे कि हाँ कितना पैसा आप ऐड पे डाल रहे हो, कितना पैसा आप रख रहे हो, नहीं तो वो कई बार वो चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, क्लाइंट कहता है कि सारा पैसा तो आपने रख लिया, आपने ऐड पे तो कुछ लगाया ही नहीं, ठीक है, और वहाँ से कई बार लाइक रिलेशन टर्म्स खराब हो जाते हैं, तो क्लियर करके चलो कि ऐड का क्या बजट रहेगा और आपके सर्विस के लिए आप कितना चार्ज कर, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो क्लाइंट आए दिन मीटिंग कर रहा है, दिन में दो दो मीटिंग्स या फिर हफ्ते में चार चार छः छः सात सात मीटिंग्स वो किए जा रहा है, कि हर दिन ग्रुप पे मैसेज आ रहा है कि आर वी टुडे रेडी फॉर अ मीटिंग, और मतलब इतना मीटिंग करते हैं वो लोग, स्टार्टिंग के कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि वो आपको काम करने का समय ही नहीं छोड़ते हैं, वो दिन भर वो ना मीटिंग ही करते रहते हैं, उनको अपडेट चाहिए होता है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने आप मान लीजिए ये ज़्यादा करते हैं जो एडवांस दे देते हैं कि मैंने एडवांस दे दिया अब काम कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचा, पल पल की ना वो अपडेट्स मांगते रहते हैं। स्टार्टिंग में क्लियर कर दो कि भाई हमारी जो मीटिंग होगी वो वीकली मीटिंग्स होंगी, हर 7 दिन बाद हम आपके साथ प्रॉपर रिपोर्ट लेके आएंगे और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मीटिंग का टाइम क्लियर कर दो, ये 10 मिनट की होगी मीटिंग, 15 मिनट की होगी, कितनी देर की मीटिंग होगी और उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा वो क्लियर कर दो, ठीक है। तो मीटिंग के टाइम से आप क्लियर करो, बीच में वीकली में फोन कॉल्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्विक अपडेट 3-4-5 मिनट का ले सकते हो, बट मीटिंग से टाइम क्लियर करो, नहीं तो क्लाइंट परेशान कर देते हैं और बहुत मतलब यार वो मीटिंग ही मीटिंग करते रहते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अभी पता नहीं मुझे ऐसा क्लाइंट कौन फंस जाए, कब कौन सा ऐसा क्लाइंट हो, क्योंकि कई बार डील डन होने के बाद ही पता चलता है कि क्लाइंट का लाइक बिहेवियर कैसा है, तो हर क्लाइंट के साथ क्लियर करके चलो ताकि किसी के साथ आपको दिक्कत ना आए। आई होप ये मेरी गलतियों से और इन पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हो कि हम मैंने और भी सारी गलतियां करी हैं इस डिजिटल एजेंसी के करियर में, अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको और भी वीडियोस शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।